रे ऑप्टिक्स या चैप्टर में सीखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डेविएशन इज अभी के लिए सिर्फ इतना ही देखो इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे रे एंड रिफ्लेक्टेड इसके बीच में कितना एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डेविएशन ठीक है तो आपको पूछा गया है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा चलो ठीक है एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा चलो ये भी ठीक है आपको नेक्स्ट ये पूछा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये जो आर कैप क्याप है कैपिटल आर कैप ये आपको पूछा गया है ऐसे सवालों में जो कुछ थ्योरटिकल नॉलेज चाहिए रिजोल्यूशन का वो हम लोग पहले आके कंप्लीट कर लेते हैं ये इंसिडेंट रे है एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले वेक्टर्स का रिजोल्यूशन कंप्लीट करना है तो वो एक अलग स्लाइड से हम लोग थ्योरी पार्ट समझेंगे एंड फिर इधर इम्प्लीमेंट करेंगे ये थोड़ा सा अलग पार्ट है समझ लो अच्छे से Understand कि इधर से एक इंसिडेंट रे आ रहा है एंड सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड सब लोगों को मैं unit vector के representation में नोट डाउन कर देता हूं ठीक है so, कि ये होगा -cap, okay? ये होगा होगा आपका आपका को मैं कुछ अलग अलग वराइटी से डिनोट कर देता हूं वेक्टर फॉर्म में ठीक है, कि इधर मैं denote कर रहा हूं टी कैप अभी टी कैप क्या है कोई भी एक डायरेक्शन ऑफ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर ओके एंड ये होगा एन कैप दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ठीक है सो ये सरफेस को परपेंडिकुलर है एंड ये सरफेस के अलोंग है तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आई कैन कंसिडर दैट ये आई होगा ये जे होगा एवरी टाइम ये आई एंड जे होगा ऐसी बात नहीं होगी बट कीप दिस इन माइंड मेनी ऑफ द टाइम इट इज़ आई जे के के फॉर्मेट में ठीक है बट ये मिरर मैं ऐसा ना रख के ऐसा अगर रखूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी सो so आपका इंसिडेंट रे एंड ये टी कैप आई कैप नहीं रहेगा वो कुछ तो डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है ठीक है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस इज़ टी कैप एंड दिस इज़ एन कैप अभी इंसिडेंट रे का मुझे रिजोल्यूशन फॉर्म करना है मतलब ये आई कैप जो है वो कौन से दिशा में आ रहा है ये मायने रखता है कि उसका आई कैप का वैल्यू क्या होगा ठीक है अभी के लिए मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे इंसीडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे ठीक है ये बात चल रही है सिर्फ एंड सिर्फ रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन की बात कुछ तो अलग होगी उधर रिफ्रैक्टेड एंगल कुछ अलग हो जाएगा ठीक है अंडरस्टैंड दैट ये आई इधर से आ रहा है एंड इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ ये डायरेक्शन में अंडरस्टूड ये डायरेक्शन में मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ ना अभी ये डायरेक्शन में जब मैं रिजॉल्व करूंगा ये एंगल आई हो गया ये एंगल कितना हो गया आई हो जाएगा ठीक है सो इसको मैं बोलूंगा कि भाई ये होगा कॉस i, ठीक है एंड ये हो जाएगा साइन i, ठीक है सो यू विल गेट दैट कि इधर से मुझे एक आई कैप नज़र में आ गया है ठीक है वो आई कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा आई कैप का वैल्यू आ जाएगा आई कैप विच इज इक्वल टू क्या ये कॉस आय कौन से डायरेक्शन में है अभी तक मैंने डायरेक्शन की चर्चा नहीं की थी ये कॉस वाला एंगल होगा एंड ये साइन वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है बट ये कॉस आय कौन से दिशा में जा रहा है कॉस आई ये माइनस एन कैप के दिशा में जा रहा है एंड ये साइन आय माइनस टी कैप के दिशा में जा रहा है वेरी सिंपल पार्ट आपको सिर्फ ये वैक्टर्स रिजॉल्व करने हैं एंड फिर हम लोगों को डिविएशन के लिए क्या चर्चा करना है फिर हम लोगों को यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के लिए हम लोगों को क्या चर्चा करना पड़ेगा एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द एग्जांपल, ठीक है सो पहले रिजोल्व कर लेते हैं आई कैप आई कैप को हम लोग चर्चा के लिए बोलेंगे कॉस आई एंड ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस एन कैप ठीक है एंड इधर हो जाएगा साइन आई कैप एंड सॉरी कॉस आई इधर हो जाएगा हाँ माइनस एन कैप ही होगा कॉस आई माइनस एन कैप एंड इधर हो जाएगा साइन आई ये हो जाएगा माइनस टी कैप अपोजिट डायरेक्शन में है ओके okay? इधर क्या हो जाएगा अभी आई कैप पहले पूरा का पूरा लिख लेते हैं कॉस आई माइनस एन कैप प्लस इधर आ जाएगा साइन आई माइनस टी कैप क्लियर ओके फाइन नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई ये जो कुछ रिफ्लेक्टेड रे है उसका रिजोल्यूशन कैसे निकाले ये भी इस प्रकार ही हम लोग फॉर्म कर सकते हैं नाउ दिस इज एंगल i, सो so इधर हम लोग एंगल आई बोल सकते हैं ठीक है सो so ये आ जाएगा साइन i, ठीक है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है माइनस टी कैप के डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी माइनस टी कैप के डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है सो एल राइट दिस एज माइनस टी कैप ओके एंड देन अगेन आई राइट दिस एज ये आ जाएगा कौन सा कॉस ऑफ आई बट ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है एन कैप के डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव एन कैप के डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है so सो ये आ जाएगा माइनस टी कैप ऊपर वाला आ जाएगा माइनस एन कैप राइट एंड देन आई एम एबल टू राइट द कंप्लीट आर कैप ओके पहले आई कैप हम लोगों ने लिख दिया था फिर हम लोग क्या लिखेंगे आर कैप लिखेंगे ठीक है सो विल ट्राई टू राइट दैट वॉट इज आर कैप का वैल्यू आर कैप का वैल्यू हो जाएगा कॉस आई एन कैप में रहेगा ठीक है कॉस आई ये रहेगा एन कैप के दिशा में प्लस इधर आ जाएगा साइन आई माइनस टी कैप के दिशा में क्या आ जाएगा साइन आई ये आ जाएगा माइनस टी कैप के दिशा में ठीक है तो ये दो वेक्टर हम लोगों को फॉर्म करने हैं ठीक है एंड देन वी विल ट्राई टू आउट द डेविएशन वाला एंगल क्या हो जाएगा फिर रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा एंड ऑल एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर ओनली ठीक है अभी ये दो वेक्टर के साथ क्या जुलुम करे सच दैट हम लोगों को डेवियशन आ जाएगा ठीक है अभी ये डिविएशन क्या चीज़ बोलता है कि देख लो कि ये जाने वाला था इस प्रकार ठीक है कलरफुल किया जाए भाई ये हो जाएगा इस प्रकार एंगल जो है यह है डेविएशन ठीक है? एंगल हमें किस प्रकार से मिल जाएगा क्या आई कैप डॉट आर कैप से मिल जाएगा राइट आई कैप डॉट आर कैप हम लोगों ने किया तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा कॉस डेल्टा के रूप में देख लो क्या यह आई कैप की दिशा है यही आई कैप की दिशा है ना राइट सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट वेक्टर देन आई कैन से दैट ये एक वेक्टर जा रहा है ये दूसरा वेक्टर जा रहा है दो वेक्टर के बीच में एंगल है डेल्टा तो अगर मैंने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आई कैन से दैट कि इधर ये इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग ले लेंगे कि भाई आई कैप डॉट आर कैप विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मुझे आई इन टू आर मतलब आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब ये आई एंड आर कौन है यूनिट वेक्टर ही तो है सो so इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एंड इनके बीच में एंगल कितना है कॉज ऑफ डेल्टा दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेविएशन एंगल सो इन शॉर्ट हम लोगों को डेविएशन एंगल मिल जाएगा इधर मैं डायग्राम भी आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूँ ये आ जाएगा आई कैप की दिशा राइट right? एंड ये आ जाएगी आर कैप की दिशा ठीक है ये आर कैप की दिशा आ जाएगी ये आ जाएगी आई कैप की दिशा आ जाएगी ओके okay? ये कैपिटल आई होगा यस कैपिटल आई एंड इसके बीच में जो एंगल है ये एंगल होगा डेल्टा तो आई कैन से कि भाई आई कैप डॉट आर कैप इट सेल्फ इज नथिंग बट ये तो वन होगा यूनिट वेक्टर है ये भी वन होगा तो आई कैन से दैट कॉस्ट डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा आई कैप डॉट आर कैप एंड असलियत में आई के फॉर्म में एंगल के फॉर्म में हम लोगों को क्या मिल जाएगा अगर मैंने एंगल के फॉर्म में चर्चा की तो क्या मिल जाएगा आई डॉट मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय ठीक है सो कॉस आई इन माइनस वन एंड इधर आ जाएगा कॉस आई ठीक है एक्स बी एक्स एवा बीवाई एजेड बीजेड वाला फॉर्मूला हम लोगों ने किया था डॉट प्रोडक्ट में एक्जैक्टली exactly वही तो यूज करना है इधर ठीक है बस जस्ट कंसेप्ट किसकी है रे ऑप्टिक्स की ठीक है so, सो इधर हम लोगों को मिल जाएगा कॉस ऑफ आई माइनस कॉस ऑफ आई इन टू कॉस ऑफ आई ठीक है एक्स बी एक्स तो इधर ये आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ए वाई आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ए एक इधर आ जाएगा बी एक्स एंड इधर आ जाएगा बी वाई ठीक है ये विथ नेगेटिव साइन है ये भी विथ नेगेटिव साइन है ये भी विथ नेगेटिव साइन है ठीक है अभी रे इधर से आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये नेगेटिव साइन किधर किधर रहेंगे बट फॉर्मूला तो यूनिफॉर्म रहेगा ठीक है so सो हम लोग आगे बढ़ेंगे ये माइनस कॉस आए ए एक्स वाला पार्ट हो जाएगा एंड कॉस आई ये ए वाई वाला पार्ट हो जाएगा प्लस प्लस करेंगे तो बी एक्स बीवाई करेंगे तो माइनस साइन आई इन माइनस साइन आई क्या हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस साइन आई इन माइनस साइन आई बनेगा आपका वैल्यू विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ डेल्टा तो इधर से कॉस ऑफ डेल्टा सिर्फ हमें I के रूप में आया अगर मुझे एंगल I पता है तो I कैन easily फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा cos डेल्टा बट ये I दिया जाएगा क्या नहीं I नहीं दिया जाएगा एंड इसीलिए मैं ये फॉर्मूला आप, आपको बता रहा हूँ कि ये असलियत में फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको असली वैल्यू दे देगा ठीक है सो आपको इन शॉर्ट इस प्रकार में माइनस कॉस स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई विच इज इक्वल टू कॉस डेल्टा रिलेशन भी मिल जाता है कई कबार आपको रिलेशन भी पूछ लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली रिलेशन आ गया है ठीक है अभी एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग आई कैप एंड एन कैप आई कैप एंड एन कैप इनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या बिल्कुल ले सकते हैं अगर हम लोग ने आई डॉट एन किया ठीक है लेट्स ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला हम लोग इससे निकाल सकते हैं देख लेते हैं कि अगर हम लोग ये i कैप डॉट एन कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लो i कैप डॉट एन कैप मतलब मैं इधर लिख लेता हूं कि भाई n कैप which इज इक्वल टू वन इन टू एन कैप मतलब n कैप के ही दिशा में है राइट सो so मेरा आंसर आ जाएगा ये ए एक्स रहेगा एंड ये ए वाई रहेगा राइट इधर बी एक्स है बट ये इधर by कुछ भी नहीं है सो एन वेरी सिंपल पार्ट है तो यू विल गेट आई एन राइट आंसर विल बी माइनस कॉस आई मल्टीप्लाइड बाय वन ओके तो आई डॉट एन का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस आई चर्चा क्लियर ओके ट्राई टू गेट दैट ट्राई टू गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप माइनस आर कैप आई कैप माइनस आर कैप तो ये मर जाएंगे राइट एंड हम लोगों को मिल जाएगा टू कॉस आई इन टू एन कैप ठीक है ठीक है ट्राई टू गेट अगेन आर कैप ठीक है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम चीज निपट जाएगी सेम चीज मर जाएगी एंड इधर हम लोगों को मिल जाएगा क्या मिल जाएगा कॉस आई एंड ये कॉस आई ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड गेट दैट माइनस टू इन टू कॉस आई ठीक है माइनस टू इन टू कॉस आई एंड इधर क्या आ जाएगा एन कैप तो वैसे ही रहेगा बिल्कुल यस yes. तो ये एन कैप वैसे ही रहेगा ओके ना अंडरस्टैंड दैट कि ये कॉस आई एंड माइनस साइन क्या हम लोग आई डॉट एन के रूप में लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं so सो ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया ये थर्ड इक्वेशन को मैं फोर्थ इक्वेशन में बिल्कुल डाल सकता हूँ सो लेट्स ट्राई टू गेट दैट कि आई कैप माइनस आर कैप ये ऐसे ही एज इट इज आई राइट दैट टू ब्रैकेट में कंसेंट्रेट हियर माइनस कॉस आई क्या लिखा मैंने माइनस कॉस आई ये मैंने ऊपर वाले इक्वेशन से कॉपी किया एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर वाला पार्ट था वो एज इट इज मैंने नीचे रख दिया सो so, मेरा आंसर आ जाएगा इधर आई कैप डॉट एन कैप ठीक है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ N -cap. है ये वेरी बेसिक फंडामेंटल दिया है तो इंसिडेंट रे निकाल सकते हैं इंसिडेंट रे दे दिया है तो रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली निकाल सकते हैं ठीक है, है, तो है. कैसे हो जाएगा देख लो कि ये आई कैप विल बिकम आर उधर जाएगा तो R cap, plus two into I -cap, dot N -cap द डायरेक्शन ऑफ एन कैप ओके सिंपल पार्ट दिस इज अंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई कैप विच इज इक्वल टू आर कैप्लू स्केलर आएगा बट डायरेक्शन किधर एन कैप के डायरेक्शन में सिमिलरली अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है आर कैप फाइंड आउट करना है ठीक है सो अगर आपको आर कैप फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं ये पूरा का पूरा मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो आई कैप माइनस टू इन टू i cap dot n cap into n cap तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्ट इक्वेशन अगर इंसिडेंट एंड नॉर्मल का वेक्टर दे दिया है तो तो मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट का ये बेसिक बेसिक एप्लीकेशन हो गया जिससे हम लोग आधे मिनट में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये हो गया पूरा का पूरा अच्छे से थ्योरी पार्ट चलो आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या कैसे बन जाता है हमसे पहले वाला था यस yes. इधर हम लोगों को पूछा गया है बोला गया है कि ये आई कैप है ये नॉर्मल है एंड ये एक्स एंड जेड है तो अ वेरी सिंपल फंडामेंटल पार्ट इज हम लोगों को कौन सा प्लेन दे दिया है एक्सड प्लेन दे दिया है प्लेन इज प्लेन ऑफ मिरर इज एक्स जेड प्लेन अगर एक्स जेड प्लेन है भाई एंड मुझे आई एंड जे में इंसिडेंट एंगल है मतलब मान लो कि ये J है ये Z है आपकी तरफ आने वाला Z है 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 ठीक ये ये जो है, ये X है, तो XYZ, मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा Y वाला होगा बराबर तो ऊपर वाला डायरेक्शन Y वाला है इसका मतलब मुझे N कैप का वैल्यू क्या मिल जाएगा वॉट विल बी डायरेक्शन ऑफ n कैप n कैप आई कैन ट्रीट इट एज कैप वेरी सिंपल पार्ट ओके मुझे चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा मतलब क्या क्या चाहिए मुझे मुझे चाहिए भाई अल्फा का वैल्यू क्या होगा इधर अल्फा दिया है हम लोगों ने तो आई लिया था कोई फर्क नहीं पड़ता नाम में कोई खास बात नहीं है तो एन कैप इज इक्वल टू जे कैप ये पहला पार्ट हम लोगों को आ गया है एंगल ऑफ डिविएशन एंड यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तीन चीजें हम लोगों को निकालनी है ओके ओके ध्यान दे दो अच्छे से मुझे चाहिए ये अल्फा का वैल्यू बट क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ़ इंसिडेंस ये तो सेम होता, तो uh, तो होता है मैं इधर लिख दूंगा कि भाई ये भी अल्फा हो जाएगा ओके okay, फाइन क्या मैं देख सकता हूं कि अगर मैं इंसिडेंट एंगल एंड नॉर्मल ये दोनों वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है ठीक है कौन से कौन से वेक्टर है मेरे पास ये एन कैप है एंड आई कैप ऑलरेडी है दैट इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड रूट टू इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इंसिडेंट रे ये यूनिट वेक्टर नहीं दिया है तो यू हैव टू मेक इट यूनिट वेक्टर फर्स्ट एंड देन गो विथ ऑल दीज थल केसेस ठीक है सो ये आई कैप एंड एन कैप आ गया ओके okay, फाइन अभी मैं एक डायग्राम निकालता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना ठीक है एंड मुझे बताना कि भाई एंगल क्या होगा कौन सा होगा किस प्रकार होगा ठीक है ये एक स्ट्रेट लाइन ठीक है इधर से नॉर्मल ये है नॉर्मल एन कैप ठीक है एंड इधर से जा रहा है आई कैप ओके आई कैप सीधा जा रहा है तो आई कैप एंड एन कैप में ये जो एंगल होगा वो कितना होगा कितना होगा आंसर विल बी ये देख लो अल्फा है ये पूरा का पूरा वन एट्टी है वन एट्टी में से मैंने अल्फा निकाल दिया तो दैट विल बी योर टोटल एंगल ठीक है ऑफ आई एंड एन देखो आई मेरे पास है एन मेरे पास है सो कैन वी फाइंड आउट एंगल अल्फा एंड दिस लेट से एंगल थीटा विच इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस अल्फा कैन आई यूज लाइक दिस यस बिल्कुल एंड आई कैन यूज द फंडामेंटल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ठीक है एक चुटकी में आंसर सॉल्व हो जाता है देख लो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहने के लिए नहीं बोला था एंड सिर्फ एंड सिर्फ थ्योरी के ऊपर भी डिपेंड रहने के लिए नहीं बोला था आपको ये कंसेप्चुअली देखना है कि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी मिलेगी अभी मुझे ये मालूम था कि आई एंड जे डिवाइडेड बाय रूट टू में आ रहा है इसीलिए ये आई जे प्लेन पे ही जा रहा है ये जेड प्लेन पे नहीं आ रहा है ठीक है इसीलिए नॉर्मल क्टेड एंड इंसिडेंट ये तीनों रेज जो होंगे वो सेम प्लेन पे रहने चाहिए यह हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है राइट right? इसी के चलते हम लोग सिर्फ एक ही प्लेन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं नाउ यू टेल मी आई कैप एंड एन कैप में डॉट प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा आई कैप डॉट एन कैप विच विल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई कैप एंड एन कैप एन कैप क्या नॉर्मल यूनिट वैक्टर ही है यस yes, बिल्कुल ये भी यूनिट वेक्टर है यस yes, बिल्कुल दोनों यूनिट वेक्टर है तो आई कैन से दैट कि भाई ये आई कैप का मैग्नीट्यूड एंड एन कैप का मैग्नीट्यूड दोनों वन हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे एंड इधर मैं बोल सकता हूँ कि यह कॉस क्या होगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ठीक है थीटा मतलब क्या है वन एट्टी माइनस अल्फा जो अल्फा हम लोगों को निकालना है ठीक है नाउ कैन वी राइट आउट राइट डाउन वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई डॉट एन ठीक है राइट क्या मैं बोल सकता हूँ आई डॉट एन क्या होगा क्या ये एन कैप के साथ सिर्फ जे का पार्ट है ठीक है आई के साथ आई का भी है एंड जे का भी पार्ट है ठीक है तो अगर मैंने इधर बोल दिया कि भाई ए एक्स का वैल्यू कितना है ए एक्स का वैल्यू जीरो है राइट right? या हम लोग बोल सकते हैं एनएक्स का वैल्यू एनएक्स का वैल्यू जीरो है राइट right? एनवाई का वैल्यू कितना है एनवाई का वैल्यू वन है ठीक है देन i x का वैल्यू कितना है i x का वैल्यू भले माइनस वन है एंड i y का वैल्यू कितना है वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई वाई आई का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास i y का वैल्यू हाँ ये माइनस वन अपॉन रूट टू भी है रूट टू भूल गए थे ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू क्लियर है बस मुझे एनएक्स आई एक्स एन वाई आई वाई ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड यह हमारा डॉट प्रोडक्ट का फंडामेंटल फॉर्मूला है कॉर्टेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही मैं यूज करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा आई कैन से दैट जीरो मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन बाय रूट टू प्लस इधर आ जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन अपॉन रूट टू ठीक है विच इज इक्वल टू क्या कॉस ऑफ वन एट्टी माइनस अल्फा क्या बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा क्या मुझे अल्फ़ा का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगा राइट right? तो ये बाएं हाथ का खेल हो गया मतलब ये जीरो हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा तो आई कैन से दैट वन अपॉन रूट टू विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा इसके चलते ऑटोमेटिकली मुझे कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ओके सो ये है हमारा मेथड टू सॉल्व द प्रॉपर वॉट एवर आस्ट ठीक है जो कुछ चाहिए वो इजीली वेक्टर के साथ साथ मिल सकता है डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ मिल सकता है अगर एंगल पूछा है तो माय सजेशन गोविथ डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर दिए होंगे तो गोविथ डॉट प्रोडक्ट जो कुछ एंगल मिलता है वो एंगल से दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे अब भी हम लोग करने वाले हैं ठीक है थीके, एक बार हम लोगों को अल्फा का वैल्यू मिल गया ठीक है मुझे डिवियेशन निकालना है

छोटा हो गया आ, ओके, चलो तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई डिविएशन क्या होगा डिविएशन का एकदम सस्ता टिकाऊ सस्ता एंड टिकाऊ मेथड है <coughs> वही हम लोगों को देखना है डिविएशन डिविएशन डेल्टा फॉर रिफ्लेक्शन ये हमेशा कितना रहेगा ये डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि डेल्टा का वैल्यू 180 एट्टी माइनस टू अल्फ़ा होगा अल्फा का वैल्यू हमें मिला है तो डिविएशन डायरेक्टली आ जाएगा 180 एट्टी माइनस टू टाइम्स ऑफ 45 डिग्री ओके तो ये आ जाएगा आंसर 90 डिग्री मतलब क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने अगर हम लोगों को अल्फा पता है तो डेल्टा का वैल्यू ऐसे ही फूक देंगे हम लोग तो यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू पता करना है बट हम लोगों को नॉर्मल का वैल्यू पता है एंड हम लोगों को आई का वैल्यू पता है हम लोगों को किसका वैल्यू पता है नॉर्मल का वैल्यू पता है एंड आई का मतलब इंसिडेंट रे का वैल्यू पता है क्या हम लोग वो डॉट प्रोडक्ट वाला टू टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिख लिख yes. लो, हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोगों को आर कैप चाहिए तो डायरेक्टली विदाउट हिचकिचाह डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि भाई आई कैप माइनस टू टाइम्स ऑफ आई डॉट एन इन टू एन कैप आई कैप से सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला पार्ट तो वही एग्जैक्टली exactly हम लोग ये यूज करने वाले हैं हमारे निमारिकल में तो देख लेते हैं ये हमारे निमारिकल में कैसे यूज कर लेते हैं देखो फॉर रिफ्लेक्टेड रे यूनिट वेक्टर हम लोगों को इसका भी यूनिट वेक्टर चाहिए ठीक है ऑफकोर्स गिवन वेक्टर वॉज यूनिट वेक्टर ठीक है तो इसीलिए जो आने वाला वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर बन जाएगा कीप दिस इन माइंड अगर दिया हुआ वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं रहा तो क्या करेंगे कुछ नहीं उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे ओके okay, तो आई कैप क्या आर कैप क्या मिला हमें आर कैप का वैल्यू आता है आई कैप माइनस टू इन टू आई कैप डॉट एन कैप इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप ठीक है क्या हम लोगों को आई डॉट एन ये ऑलरेडी मिला है आई डॉट एन का वैल्यू क्या है माइनस कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है ठीक है इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट तो आई कैप आई कैप एज इट इज लिख देंगे हम लोग ठीक है सो क्या है आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू ठीक है माइनस टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ इधर आ जाएगा ए, प्लेस कर. माइनस टू टाइम्स ऑफ ये क्या आ जाएगा आई डॉट एन का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला आई डॉट एन का वैल्यू हम लोगों को मिला था माइनस वन अपॉन रूट टू तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू इन टू एन कैप ओके तो आई माइनस जे डिवाइड बाई रूट टू कीप दिस इन माइंड ये जो एन कैप है एन कैप का डायरेक्शन हम लोग जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो एन कैप एन कैप के दिशा में नहीं लिखेंगे एन कैप के बदले क्या लिखेंगे जे कैप लिखेंगे वेरी सिंपल पार्ट तो अभी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों को easily आ जाएगा। थोड़ा-थोड़ा करो, ठीक है? तो हम लोगों को मिल जाएगा प्लस प्लस ये टू एंड रूट टू भी मर जाएंगे मर बन जाएगा रूट टू जे कैप ओके तो अगर हम लोगों को इसका पूरा का पूरा वेक्टर और अलग तरीके से लिखना है तो ये आ जाएगा आर कैप विच इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस रूट टू इसका वैल्यू कितना हो जाता है अलग से निकालेंगे देख लो रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू कितना हो जाएगा रूट टू माइनस रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट टू हो जाता है टू माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट टू क्लियर है तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया वन अपॉन रूट टू आप देख रहे हो मतलब बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग ये न्यूमारिकल इजीली खत्म कर सकते हैं एंड इससे भी इजिएस्ट मेथड में अभी आपको बताने वाला हूं तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट टू तो मेरे तीन आंसर्स जो आ गए हैं, तीन आंसर्स कुछ इस प्रकार आ गए हैं। अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री एंड आर का वैल्यू हमें आया है आई माइनस आई प्लस जे डिवाइड बाय रूट टू एक छोटा सा डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ इस प्रकार के न्यूमारिकल में रे ऑप्टिक्स वाले सवालों में कई बार बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कि क्या करें आई जे के, के जलवे में फंस जाते हैं तो हम लोगों को ऐसे कुछ भी नहीं करना है एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ध्यान में रखो कभी भी आई जे के फॉर्मेट में इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल रे कुछ भी दिया जाता है तो इंसिडेंट रे आई जे के फॉर्मेट में है राइट तो नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा उसका साइन ही सिर्फ अपोजिट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा देखो क्या होगा ये देख लो मैंने क्या बोला कि आई को मैंने इस प्रकार पेश किया है ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोग ठीक है एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आर कैप तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता था ठीक है मैंने नॉर्मल को दे दिया है कि भाई ये है जे कैप ठीक है तो जे कैप के डायरेक्शन में जो कोई आई वाला कंपोनेंट है मतलब इंसिडेंट रे वाला कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में जो है उसका सिर्फ साइन चेंज करो तो मुझे क्या करना है सिर्फ एंड सिर्फ जे मतलब ही नॉर्मल के डायरेक्शन में यह आई का कंपोनेंट जे के डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में है मतलब जे नेगेटिव है ना तो उसको सिर्फ पॉजिटिव करना है क्या आया मेरा आंसर डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग राइट दिस इज द वे टू हैव टू डील with सम शॉर्टकट्स ठीक है शॉर्टकट्स के लिए conditions मालूम रहने चाहिए कि क्या कब कैसे होगा ठीक है मैंने कौन सा तरीका बताया है कि इधर मैं लिख देता हूं कि आर कैप निकालने के लिए आई कैप का एन कैप के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट का साइन चेंज करो ठीक है सिर्फ आपको एन कैप के डायरेक्शन वाला साइन चेंज करना है ऐसे ही मैं न्यूमेरिकल और एक ले लूंगा राइट right? तो फिलहाल तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं ये वाले सवाल आते हैं जो रिफ्लेक्शन के लिए काम में आते हैं अलग वाले सवाल होंगे वो रिफ्रैक्शन के लिए भी काम आएंगे नेक्स्ट और एक सवाल मैंने उधर रख दिया है तो देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या कैसे हम लोग कर लेते हैं <coughs> चलो तो रे ऑफ लाइट मूविंग अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप माइनस टू जे कैप अंडर गोज रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया मतलब इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ओके, इज़ इन एक्स-जेड प्लेन, मतलब ऊपर मतलब वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है क्योंकि अपर वाला पार्ट हो जाएगा जो पॉजिटिव होगा नीचे वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा तो यू विल गेट दैट इज ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर टू है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंड वाई लेस देन जीरो के लिए आंसर है रूट फाइव बाई टू आपको पूछा यूनिट वेक्टर अलोंग विच द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स इज असलियत में बहुत सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का मैंने जो रिफ्लेक्शन के लिए बताया था वेक्टर रिजॉल्व करो वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए करने हैं चलो इसमें ही देख लेते हैं हम लोग वो थियोरी पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इन वेक्टर्स ठीक है मान लो एक ग्लास प्लेट है ठीक है ये एक ग्लास प्लेट है एंड इधर से रिफ्रैक्शन होने वाला है ये इंसिडेंट रे है ठीक है ये होगा इंसिडेंट रे जिसको हम लोग आई कैप बोलेंगे ओके सेम तरीके से एन कैप एंड टी कैप के फॉर्म में हम लोग रिजॉल्व करेंगे इसको ठीक है तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा ओके okay? एंड मुझे नॉर्मल की दिशा कुछ इस प्रकार की होगी राइट right? इधर जो आय होगा वो इधर नहीं होगा इधर बोलेंगे हम लोग इसको स्मॉल आर दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल ओके एंड ये होगा नॉर्मल का डायरेक्शन इधर हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा एन कैप एंड ये डायरेक्शन हो जाएगा टी कैप वाला क्या हम लोग ईजिली रिजोल्व कर सकते हैं क्या हम लोग इजिली आई कैप एंड ये रिफ्रैक्टेड का भी यूनिट वेक्टर इजिली निकाल सकते हैं ये भी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? इसको मैं आर एफ बोल रहा हूँ रिफ्रैक्टेड वो था रिफ्लेक्टेड यह है रिफ्रैक्टेड ठीक है तो लेटस ट्राई टू गेट दैट कि यह आई कैप क्या होगा आर एफ कैप क्या होगा एंड इसके चलते यह न्यूमेरिकल आराम से फटाफट सॉल्व कर देंगे चलो तो ये आई कैप आपको ऐसे लग रहा है कि आपको आएगा तो बिल्कुल पॉज करो एंड ट्राई टू रिजोल्व दिस टू वेक्टर्स एंड अगेन कम टू मी विथ आंसर्स आई कैप आई कैप का वैल्यू आई कैप का वैल्यू एक एन कैप के दिशा में होगा एंड एक टी कैप के दिशा में होगा ठीक है इसको रिजोल्व में कर देता हूं तो रिजोल्यूशन में ये रिजोल्यूशन हम लोग इस प्रकार कर देंगे ये आ जाएगा नीचे की तरफ ये आ जाएगा इस तरफ ठीक है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टी कैप के फॉर्म में होगा इसका वैल्यू होगा माइनस एन कैप के फॉर्म में तो इधर हम लोग करेंगे ये हो जाएगा आई तो इधर भी हो जाएगा आई का वैल्यू ठीक है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तो इधर मुझे आ जाएगा कॉस ऑफ आई इन टू माइनस एन कैप इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे बिल्कुल चेंज नहीं होगा उसके रिजोल्यूशन सेम रहेंगे रिफ्रैक्टेड के चेंज हो जाएंगे वो मीडियम चेंज कर रहा है एंड वैल्यू भी चेंज कर रहा है ठीक है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा माइनस टी कैप तो हम लोग आई कैप की चर्चा अगर करेंगे तो इधर आ जाएगा आई कैप विच इज इक्वल टू मैं लिख दूं कॉस आई मल्टीप्लाइड बाय कॉस आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन कैप ओके प्लस इधर मैं लिख देता हूं कि भाई साइन आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस टी कैप राइट बहुत ही एकदम सिंपल सादा सा मामला है एंड इधर हम लोगों को आ जाएगा आर एफ कैप विच इज इक्वल टू आर एफ क्या है व्हाट एफ आर एफ इज नथिंग बट रिफ्रैक्टेड रे इसको भी मैं रिजोल्व कर दूंगा अब ये रिजोल्यूशन का इसका तरीका रिजोल्यूशन का क्या होगा देख लो ये रिजोल्व करूंगा तो ये वही डायरेक्शन में जाएगा जो डायरेक्शन में रे जा रहा था, इधर एंगल अलग होगा, ये ध्यान में रखो। तो इधर मेरा एंगल अलग है तो मैं इसको बोलूंगी ये आर है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ आर आ जाएगा ये साइन आर एंड ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है माइनस टी कैप के दिशा में जा रहा है क्या मेरा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसको मैं बोलूंगा कॉस ऑफ आर एंड ये क्या आ जाएगा कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस एन कैप के दिशा में आ जाएगा इज इट वेरी क्लियर ठीक है अभी इसके साथ साथ ना हम लोगों को स्नेल्स लॉ भी यूज करना है ठीक है सो पहले हम लोग आर एफ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि भाई स्नेल्स लॉ से ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए ठीक है तो आर एफ का वैल्यू हो जाएगा साइन आर इन टू टी कैप नहीं एन के नीचे एन लिख देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस एन कैप प्लस इधर आ जाएगा साइन आर मल्टीप्लाइड मुझे यह समझ में आता है कि अगर रिफ्लेक्टेड हो हो या हो, मतलब रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्टेड होता है कुछ भी हो जाए तो भी डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट या सरफेस वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ठीक है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल का कंपोनेंट चेंज होता है कभी जब रिफ्लेक्शन होता है एंड चेंज नहीं होता है सेम होता है कभी रिफ्रैक्शन होता है तभी तो इसमें हम लोगों को ऑप्शंस को रिजेक्ट करने में भी मदद होगी ठीक है तो आप इजीली समझ पाओगे कि भाई ये आई माइनस टू आई है मतलब थर्ड क्वार्टर में जा रहा है तो मेरा ये जो आंसर होगा वो भी सब थर्ड क्वार में होगा एंड प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ऑप्शन में थर्ड क्वाड्रेंट ही दिया है कई ऑप्शन में ऐसे हो जाएंगे स्पेशली फॉर नीट पीपल ये सॉल्व नहीं करना होगा ये सिर्फ आपको देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये आपने देखा एंड अगर तीन ऑप्शन रिजेक्ट हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा ठीक है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ओके प्रॉब्लम यह है कि हम लोग एड सब्ट अगर कुछ करेंगे तो यह आई एंड आर का वैल्यू कुछ अलग है बट डू वी हैव रिलेशन बिटवीन आई एंड आर बिल्कुल राइट सो बाय स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ से हम लोगों को साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू डी डिवाइडेड बाय या म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ठीक है ये हो गई थ्योरी पार्ट ठीक है इसके आगे कुछ नहीं करना है हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट वगैरह जनरली नहीं करना होता है हम लोगों को स्नेल्स लॉ से साइन आर का या साइन आई का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है एंड डायरेक्टली वेक्टर में पुट करके आपका आंसर निकालना होना है एंड खुश होना है ठीक है चलो देख लेते हैं कि ये न्यूमारिकल में हम लोगों को क्या क्या दिया है एंड क्या क्या हम लोग चाहते हैं ये न्यूमारिकल से ठीक है अ रे ऑफ लाइट मूविंग अलॉन्ग यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर दे रखा है ठीक है माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर ये कैसे होगा ठीक है ये आई कैप कैपिटल आई कैप विच इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप क्या ये यूनिट वेक्टर है क्या बिल्कुल नहीं ये यूनिट वेक्टर है ही नहीं तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो ये कैप नहीं है ये क्या है वेक्टर है

इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे स्क्वायर स्क्वायर प्लस रूट फाइव आएगा डायरेक्टली ठीक है सो आपको माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइडेड बाय रूट फाइव इतना ध्यान में रखना है ओके okay, बात खत्म वेरी गुड नेक्स्ट आपको बोल दिया है कि भाई रिफ्रैक्टेड इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और y इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पार्ट y इज ग्रेटर देन 0 अभी के लिए हमारे लिए जो फार्मूला है इसमें हम लोग लिखते हैं कि भाई n कैप जो है वो क्या है n कैप व्हिच इज इक्वल टू j कैप है या क्या कौन सा प्लेन है xz प्लेन दिया है ठीक है एंड i minus i कैप 2j कैप ऐसे आपको फार्मूला दे दिया है तो n कैप का वैल्यू आपके पास है या नहीं है यह हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई एन कैप का वैल्यू है या नहीं है ठीक है so सो इसके लिए हम लोगों को सिंपल पहले क्या करना है एक्स जेड प्लेन पे जाना है एंड एक्स जेड प्लेन पे ऑफ कोर्स ये एक्स जेड प्लेन से तिरछा हो रहा है ना एक्स जेड प्लेन से तिरछा हो रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मुझे क्या मिल जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को एन कैप मिल जाएगा ठीक है दिया नहीं है फिर भी हम लोगों को क्वेश्चन रीड करके आना चाहिए कौन दे रहा है एन कैप का वैल्यू जे कैप ये दे रहा है विच इज अलोंग एक्सड प्लेन ठीक है इंटरफेस किधर है इज किलोंग एक्सड प्लेन मतलब सरफेस किधर है एक जेड है एक एक्स है तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस क्या होगा क्या होगा जे कैप होगा तो ऑफकोर्स ये वैल्यू हमें मिल जाती है एन कैप विच इज इक्वल टू जे कैप तो ये हो जाएगा जे कैप वाला महिमा ठीक है ओके okay. इधर वैल्यू जो दे दिया है कि माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप डिवाइड बाय रूट करना है दैट इज नथिंग बट कैप कैप तो मैं इधर सिर्फ अभी अभी के लिए आई कैप ही लिख देता हूं ओके okay? आई का वैल्यू हमें दिया नहीं है ठीक है आई का वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है बट फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं राइट right? कैसे निकालेंगे आ, 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 आई का वैल्यू आई का वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका यह है ये हो जाएगा I पार्ट ओके एंड मुझे फॉर्म करना है कि भाई I का वैल्यू क्या होगा ओके आई जा रहा है इस दिशा में ठीक है मतलब प्लेन भी ये वर्टिकल प्लेन होगा एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन ये प्लेन में एंग इंसिडेंट रे जा रहा है कुछ इस प्रकार ठीक है सो अगर मैं बात कर लूं कि ये आई कैप का ये पार्ट जो है ये कितना है जो जे वाला कंपोनेंट है मतलब ये टू है एंड ये वन है ठीक है तो इससे हमें एंगल इजीली मिल जाएगा एंगल आई ये इजीली मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा देख लो ये वेक्टर आपको दे दिया है ठीक है कोई भी वेक्टर दे दिया है तो आपको टैन इनवर्स ऑफ इसको अगर मैंने अल्फा लिया ठीक है तो टेन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा टेन अल्फा का वैल्यू टू एंड वन ऐसे हो जाएगा टू डिड बाय ठीक है एंड ये वैल्यू कितना है ये वैल्यू है रूट फाइव नाव यू कैन इजीली गेट टू नो दैट वट इज द वैल्यू ऑफ ये अल्फा होगा ये आय होगा तो ये कितना होगा ये भी आय होगा ठीक है नाउ यू कैन गेट टू नो दैट कि भाई साइन आई का वैल्यू कितना होता है साइन आई फ्रॉम दी अबाउट डायग्राम डायरेक्टली हम लोग डायग्राम के ऊपर ही आएंगे फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट साइन आई व्हिच इज इक्वल टू अपोजिट साइड आई के लिए ये आय है ये भी आय है तो अपोजिट साइड है वन वन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है रूट फाइव तो ये आ जाएगा रूट फाइव मतलब साइन आई का वैल्यू मेरे पास है क्या मुझे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है यस बिल्कुल दी गई है कौन से कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दी गई है देख लो y इज ग्रेटर देन जीरो के लिए टू है एंड y इज लेस देन ज़ीरो के लिए रूट फाइव बाई टू है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर ये वाला जो सरफेस है ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर क्या पॉजिटिव वाई होगा ये क्या है वाई इज ग्रेटर इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा म्यू वन का वैल्यू टू होगा राइट ये है वाई इज लेस देन जीरो वाला पार्ट एंड इसमें म्यू वाला पार्ट क्या हो जाएगा म्यू टू वाला वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू टू दैट इज इक्वल टू रूट फाइव डिवाइड बाई टू विच इज गिवन बस मेरा काम हो गया नाउ आई नीड टू फाइंड आउट वट इज द वैल्यू ऑफ साइन आर एंड कॉस आर वंस आई गेट दैल्यू ऑफ साइन आर एंड कॉस आर इट इज वेरी सिंपल फॉर मी टू अंडरस्टैंड का वेक्टर ठीक है नाउ सी इधर हम लोगों को आगे बढ़ना है हमारे साइन आई के साथ साथ स्नेल्स लॉ हम लोगों को यूज करना है बाय स्नेल्स लॉ ठीक है स्नेल्स लॉ से साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू टू डिड इज साइन आई साइन आई का वैल्यू है हम लोगों को निकालना है तो विल राइट दिस एज साइन आर ओनली म्यू टू का वैल्यू है रूट फाइव डिवाइड बाय टू ये हो जाएगा टू तो टू टू फोर बन गए ठीक है एंड इधर से रूट फाइव उधर जाएंगे तो फाइव बन गए तो मेरे ख्याल से साइन आर का वैल्यू आना चाहिए फोर अपॉन फाइव ठीक है वंस आई गेट दैट कि साइन फोर अपॉन फाइव है फोर अपॉन फाइव ये जाना पहचाना एंगल है एंगल होगा फिफ्टी थ्री डिग्री राइट तो ये आर का वैल्यू हो जाएगा फिफ्टी थ्री डिग्री चमका ये वेरी गुड विल से दैट कि ये साइन आर का वैल्यू है फोर बाय फाइव ओके फाइन

इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये एक प्लेन पे होने चाहिए मतलब ये प्लेन पे होने चाहिए कौन से प्लेन पे होने चाहिए एक्स वाई प्लेन पे होने चाहिए उसमें से एन कैप अगर ये कौन सा है एन कैप जे कैप एंड माइनस जे कैप है रिफ्रैक्टेड के लिए माइनस जे कैप है एंड रिफ्लेक्शन इंसिडेंट के लिए भी माइनस एन कैप है ठीक है इधर एन कैप लिखा मैंने नीचे माइनस एन कैप हो जाएगा ठीक है तो इधर से हम लोगों को आ जाएगा साइन आर का आसार बट माइनस टी का क्या माइनस टी विल बी आई कैप हो जाएगा क्योंकि एन अगर परपेंडिकुलर है एंड एक्स वाई प्लेन पे ही इंसिडेंट एंगल है इंसिडेंट रे है तो आई कैन से दैट कि नॉर्मल को परपेंडिकुलर कौन होगा दूसरा दैट विल बी आई कैप ओनली ठीक है राइट साइड में होगा तो आई कैप तो इधर मुझे माइनस टी कैप विल बी माइनस आई कैप हो जाएगा एंड इधर से हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा बाय आर एफ वेक्टर आर एफ वेक्टर में हम लोग पुट कर देंगे विल डायरेक्टली राइट दैट कॉस आर इन टू माइनस एन कैप प्लस साइन आर इन टू माइनस टी कैप ठीक है व्हाट इज कॉसर कॉसर का वैल्यू थ्री बाई फाइव है साइन आर का वैल्यू फोर बाई फाइव है minus minus जगह है कैप कैप इज इक्वल एंड टी कैप इज इक्वल टू आई कैप है तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये आ जाएगा J I तो कुल मिला के मेरा आंसर हो गया वन अपॉन फाइव मैंने बाहर निकाला तो ये आ जाएगा माइनस फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप देख लो आंसर ऑप्शन में है क्या माइनस फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ठीक है सो बी बी ऑप्शन विल करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऐसे मस्त सवाल है एंड ऐसे सवाल हम लोगों को करते जाना है कनेक्टेड क्वेश्चंस करते जाना है हर एक चैप्टर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग चैप्टर्स के कनेक्टेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं तो आज इधर ही रुक जाएंगे आ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर में तब तक कमेंट करना सब्सक्राइब करना लाइक like करना एंड आपको अगर कुछ और वीडियोज देखने हैं तो जरूर बताना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो